पुलवामा हमले में एक साल हो चुका है। सरकार शहीदों के परिवार के लिए वायदे कर कर भूल गई है। फरीदाबाद के गांव अटाली से शहीद हुए पैरा कमांडो संदीप के परिवार को अभी तक ना तो सरकारी नौकरी मिली है और ना ही सरकारी स्कूल का नाम बदलकर शहीद के नाम पर रखा गया, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पराशर ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में फौजियों के इंश्योरेंस की किस्त उनकी सैलरी से काटे जाने पर भी सवाल उठाया है। पराशर ने साफ किया है कि अन्य देशों की सरकारें फौजियों के इंश्योरेंस की किस्तें खुद भरती है, मगर भारत में देश पर शहीद होने वाले जवानों को इंश्योरेंस के पैसे अपने वेतन से देने होते हैं। लटकी हुई ये आर्मी की वर्दी और वर्दी के ऊपर लगे हुए ये मेडल शायद सरकार को ये याद दिला दे कि इस वर्दी को पहनने वाला जवान एक साल पहले शहीद हो चुका है और एक साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने शहीद की शहादत पर किए वायदे को पूरे नहीं किए। जी हां, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के गांव अटाली से पुलवामा हमले के दौरान शहीद हुए पैरा कमांडो संदीप कालीरमन की, जिसकी शहादत के बाद खुद सरकार ने उन्हें उनके परिवार को सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल का नाम बदलकर शहीद के नाम पर रखने और बल्लभगढ़ से मौना जाने वाले मार्ग का नाम शहीद संदीप के नाम पर रखने का वायदा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। शहीद संदीप का भाई सोनू एक साल से डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहा है, जहां से उसे एक दूसरे सरकारी दफ्तरों में घुमाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री साहब यहां पे 20 फरवरी को 21 फरवरी 2019 को यहां पे हमारे घर आए थे। उन्होंने यहां पे घोषणा की थी सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए और एक 500 गज का प्लॉट और एक सी रेट की सरकारी नौकरी, एक डीसी रेट की नौकरी, दो सदस्यों को नौकरी परिवार में से मिलेगी जी। और जो मोहना मार्ग है अपना अम्बेडकरगढ़ से चल के मोहना तक, उस मार्ग का नाम बदल के शहीद संदीप कालीरमन के नाम से रखा जाएगा। और गांव का एक सरकारी स्कूल है जो 10th तक है, उसका नाम भी शहीद संदीप के नाम से रखा जाएगा। जिनमें से अब तक बस जो 50 लाख अमाउंट आना था वो मुख्यमंत्री साहब आए थे उसी दिन, वो बैंक में आ गया था हमारे अकाउंट में। बाकी जो भी जितनी भी अब तक घोषणा हुई है उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है और हम हार चुके हैं प्रशासन के चक्कर लगा लगा के, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। वहीं फौजियों के लिए प्रेम रखने वाले बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पराशर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने फौजियों के इंश्योरेंस की किस्त उनके वेतन से काटने पर एतराज जताया है। सरकार से एक प्रार्थना करता हूं, मैंने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है कि जो घोषणा है शहीद के परिवार वालों को की जाती है सरकार के द्वारा, वो ज्यादातर पूरी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ अटाली गांव है, वहाँ पर एक जाबाद वो कमांडो संदीप शहीद हुए थे, ना तो स्कूल में भी उनके शहीद के नाम का स्कूल बना, ना रोड का नाम उनके उस पर लिखा गया। उल्टा उनके घर वाले जाते हैं तो डीसी ऑफिस वाले कहते हैं निगम में जाओ, निगम वाले कहते हैं डीसी ऑफिस जाओ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल समर सिंह ने कहा है कि फौजियों का एक एक कदम देश और समाज की रक्षा के लिए उठता है, इसलिए जो उनका इंश्योरेंस किया जाता है उनकी किस्त जरूर सरकार को ही भरनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा अन्य देशों की सरकारें करती हैं तो भारत देश की सरकार फौजियों के लिए क्यों नहीं कर सकती। मेरा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस की किस्त अगर दूसरे देशों में नहीं काटी जाती है फौजियों से, तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश में भी नहीं काटनी चाहिए। उसका कारण ये है कि इंश्योरेंस आर्मी वालों की लाइफ को इंश्योर्ड करती है, जबकि आर्मी वालों का पग पग इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी एरिया में हमेशा तैनात रहते हैं जहाँ पर कि उनकी लाइफ को हमेशा खतरा रहता है। जो लोग ऐसी एरिया में अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं, इनकी सैलरी से अगर इंश्योरेंस का पैसा छोड़ दिया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके बारे में प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से गुहार लगानी चाहिए कि जो लोग 2400 घंटा अपने देश के लिए अपने शरीर की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं,
उनसे ऐसा पैसा न काट के अगर उन्हें इंश्योरेंस का पैसा माफ़ कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी पहल है, और हम उनको धन्यवाद करते हैं जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से ऐसी गुहार लगाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।